بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے مالک مولا तेरा लाख लाख करम है, शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता तो हमें किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा कर देता, लेकिन हमारे बगैर तलब के तूने करम नवाजी फरमाई और हमें किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा कर देता, लेकिन हमारे बगैर तलब के तूने करम नवाजी फरमाई और हमें एक मुसलमान घराने में पैदा होने का शर्फ अता फरमाया। या रब्बे करीम, इसका भी तेरा लाख लाख शुक्र के तूने हमें मुसलमान बनाया और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह, चाहता तो पिछले नबियों की उम्मत में भी पैदा फरमा सकता था, लेकिन या रब्बे करीम, हमारी बगैर तलब के तूने करम फरमाया और सबसे अफजल तरीन नबी के उम्मती होने का शर्फ अता फरमा दिया। या रब्बे करीम, ये भी तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हमें आजाद मुल्क अता फरमाया, हमें कुरान अता फरमाया, हमें सेहत अता फरमाई, हजार हा नेमत अता फरमाई, इतनी नेमतें इतनी नेमतें इतनी नेमतें और बगैर तलब किए कि या रब्बे करीम, यकीनन अगर हम उनका शुमार करने लगे तो दुनिया भर के इंसान अगर कातिब बन जाएं, तमाम दरख्त कलम बन जाएं और समुंदर स्याही बन जाएं, तो यकीनन तेरी नेमतों को शुमार मुमकिन नहीं। लेकिन है मालिक मौला, इन तमाम पर नेमतों को हासिल करने के बावजूद हम पर बदबख्ती गालिब रही, हमने तकाजाए बशरियत को अपने ऊपर गालिब कर लिया, हमने कुरान को छोड़ा, हमने हदीस को छोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरे पैगाम हमें बोझ महसूस होने लगे, और ऐ रब्बे करीम, हमने अपने आप को गुनाहों में मशगूल करके सुकून हासिल करने की गलती कर बैठे। ऐ अल्लाह, तेरे ढील देने की मुसलसल आदत ने हमें गुनाहों पर मजीद जुरतमंद कर दिया, और ऐ अल्लाह, हम सारा दिन नफ्सो शैतान की इताअत में मसरूफ अमल रहे, जिंदगी के अय्याम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह कम होते रहे जैसे बर्फ की सिल आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाती है। या रब्बे करीम, हमारी जिंदगी के कीमती लम्हे कीमती साल गुजर गए और हमें एहसास भी ना रहा कि हमारा हर आने वाला लम्हा हमें आहिस्ता आहिस्ता मौत और कब्र के करीब तर कर रहा है। लेकिन ऐ मालिक ए मौला, ये बात कन्फर्म है, ये बात यकीनन साबित शुदा है कि हमने कितनी भी खताएं की, हमने कितने भी गुनाह किए, ऐ अल्लाह, हम बागी नहीं हैं। हम उस बच्चे की तरह हैं कि जब माँ उसे मारती है तो बच्चा माँ की आगोश में लिपट जाता है और माँ उसे मोहब्बत से अपने सीने से लगा लेती है। या रब्बे करीम, तेरी रहमत बड़ी वसी है, हम गंदे हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, हम मानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमने झूठ भी बोले, गीबतें की, चुगलियां की, हमने मुसलमानों की दिल आजारियां की, माँ बाप से बदतमीजियां भी हो गई। ऐ अल्लाह, हमने जानबूझ के नमाजें भी कजा की, बदनिगाही भी हो गई, हमने बहुत सारे बुरे कामों में दोस्तों के साथ ताउन भी किया, लेकिन या रब्बे करीम, हमने तेरी रहमत का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ऐ अल्लाह, इस वक्त करोड़ों मुसलमान तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करके तेरे दरवाजे रहमत पर दस्तक दे रहे हैं। अगर तू हम मुट्ठी भर मुसलमानों को मुआफ कर देगा तो यकीनन तेरे रहमत के खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, हम सब बहनों की, भाइयों की, जो तुझसे आज दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, उन सबको नेकियों में तब्दील फरमा दे, जो हमने नेक आमाल तेरी अता से, तेरे करम से, तेरे फजल से किए, सबको दरा जाए कबूलियत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, उन नेक आमाल का बदला हमारे अमल नहीं बल्कि अपने रहमत के मुताबिक अता फरमा। ऐ मालिक ओ मौला, हमें गुनाहों से मोहब्बत हो गई, हमने नेकियों से नफरत की, गुनाह करना बेहद आसान हो गया, नेकियां करना बेहद मुश्किल हो गया। ऐ मालिक ओ मौला, अगर ये बदबख्ती हम पर तारी रही और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हमारे दरवाजे जिंदगी पर दस्तक दे दी और हमारी लाश भी हमारे घर वालों के सामने इसी तरह
पड़ी हुई जैसे बेशुमार लाशें हमने घर वालों के सामने पड़े हुए देखे तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐ मालिक ओ मौला, यकीनन हमें एक दिन मरना है। हमारे घर वाले हमारी लाश पर आंसू बहा रहे होंगे, कहीं माँ पछाड़े खा रही होगी, कहीं बीवी बच्चे रो रहे होंगे, कहीं माँ बाप रो रहे होंगे, दोस्त अहबाब आके तसल्लियां दे रहे होंगे, हमें भी तख्त गुस्ल पर लिटाया जाएगा, हमारा भी लिबास उतारा जाएगा, हमें भी गैर लोग गुस्ल देंगे, इसके बाद हमें भी कफन पहनाया जाएगा। आज से पहले हमने लोगों को कफन में लिपटे हुए देखा, कभी ये एहसास पैदा ना हुआ था कि एक दिन ये लिबास हमें भी पहनना होगा। तो हमारे आखिरी दीदार के लिए घर वालों के सामने लिटाया जाएगा, सब रिश्तेदार आहुबुका मचा रहे होंगे, शोर रोने की आवाज बुलंद होगी और हमें जनाजा गाह की तरफ ले जाया जाएगा। लोग हम पर नमाज जनाजा अदा करेंगे। आज से पहले हमने लोगों पे जनाजा पढ़ा, आज तक हमने नहीं सोचा था कि एक दिन हमें भी इस मकाम पर लेटना होगा। इसके बाद लोग अपने कंधों पे उठा के हमें अंधेरे कब्रिस्तान की तरफ लेकर चल पड़ेंगे, जिस कब्रिस्तान में दिन के वक्त जाते हुए भी हमें खौफ महसूस होता था। हजारों मुर्दों के दरमियान में अंधेरी कब्र में हमें हमारे वही प्यारे छोड़ के चले जाएंगे, जिनके लिए हमने गुनाह किए, जिनके लिए हमने नाजायज काम किए, जिनके लिए हमने बुराई से तआवुन किया, और फिर हमें अंधेरी कब्र में छोड़ के जब लोग चले गए, ऐ अल्लाह अगर आमाल खराब हुए, अगर नामे आमाल में गुनाह बाकी रहे और अल्लाह ना करे कब्र की दीवारें मिलकर हमारी पसलियों को तोड़ दे, अगर तू नाराज हुआ और तूने कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दी, तो यकीनन या रब्बे करीम हमारे नाजुक बदन इस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह तुझे अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रातों को उठ उठ कर बहाने वाले आंसुओं का वास्ता हम सबकी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से सख्त नफरत अता फरमा, हमें नेकियों से प्यार अता फरमा दे, गुनाह करना बेहद मुश्किल बना दे, नेक आमाल करना बेहद आसान बना दे। ऐ अल्लाह हमें मौत से पहले पहले अपने कब्र को जन्नत के बागों में फिर बाग बनाने वाले आमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, अपने कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनाने वाले आमाल छोड़ देने की हिम्मत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आज हमारे जो भाई बहन हमारे साथ दुआ में शरीक है, हम सबको पांच वक्त नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें ऐसा पाकीजा कर दे, ऐसा पाकीजा कर दे, ऐसा पाकीजा कर दे कि फिर कभी भी गंदगी हमारे पास ना आ सके, हमारे जाहिर को, हमारे बातिन को, हमारी सोच को, हमारी फिक्र को पाकीजा कर दे, हमें पाकीजा दोस्त अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं कि तू इस पूर्व कयामत के वक्त भी हमें गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ फरमा सकता है। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से पाको साफ कर दे। या रब्बे करीम जितने भाई बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे, जिन घरों में जवान बहनें बेटियां मौजूद हैं उनको अच्छे रिश्ते दिलवा दे, जो बे औलाद है उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनके लिए अजीम शान सवाब जारिया बनने के मौके पर रहमत फरमा। ऐ अल्लाह जिन भाई बहनों के फर्ज हैं उनके फर्ज दूर फरमा दे, जो आपस में नाराज है मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा, जो हमारे भाई बेजा मुकदमात में गिरफ्तार है उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, तमाम सामईन के इल्म में, उम्र में, रूहानी कुव्वत में, दराजात में, रिज़्क़े हलाल में, कारोबार में, सेहत में, अमल में बेहद बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल इतनी वाफर मकदार में अता फरमा जो हमारी तमाम जरूरतों के लिए आसानी काफी हो जाए। या रब्बे करीम हराम और शुबह के लुक्मे से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम फिक्रें, परेशानियां, ज़हनी टेंशन दूर फरमा दे, हमारी हर जायज दुआ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले, हर जायज तमन्ना को पूरा फरमा दे, हर जायज मकसद में आफियत के साथ कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह आपस में मोहब्बत दे दे, आपस में प्यार दे दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह मौजूदा हंगामों में, मौजूदा साने में जितने मुसलमान भाई बहन शहीद हुए, अल्लाह तआला सबकी मगफिरत फरमा।
हमारे वो मुसलमान भाई जो हमसे पहले पर्दा फरमा चुके उन सबकी भी बख्शिश फरमा दे, उनके दराजात को भी बुलंद फरमा, उनके नेक आमाल भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह उनकी गुनाहों से भी दरगुजर फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बाघों में से बाघ बना दे, उनकी कब्रों को तहद निगाह वसी फरमा दे, उन्हें कब्र के आजाद से, कब्र की वहशत से, कब्र की तंगी से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से महफूज फरमा। ए अल्लाह उन्हें भी हमें भी बार बार अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार खुशबूदार नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जिस तरह कसरत गुनाह के बावजूद तूने दुनिया में हमारी इज्जत को कायम रखा, मैदान महशर में भी हमारी लाज रख लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर के छलकते हुए जाम पीने की तौफीक अता फरमाना, शफाअत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ फरमाना, सीधे हाथ में आमाल नामा को सिरात पर साबित कदम अता फरमाना। खुसूसी दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे हाजी अब्दुर्रऊफ साहिब को, हिंगोरा साहिब को और दीगर जितने भी हमारे यहाँ पे क्यू टीवी में काम करने वाले हैं, जितने होस्ट हैं, जितने गेस्ट हैं, जितने कैमरामैन हैं, जितने भी सिदारे में वर्कर हैं, खास तौर पे अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत से बरकत नाजिल फरमा, इनकी हतमी मफ़रत फरमा दे, इनकी फिक्रें दूर फरमा दे। अल्लाह हमें इखलास के साथ दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमा, हमारे जो भाई जो बहन हमारी दुआ के साथ शरीक है, अल्लाह ताला हम सबको दीन की बहुत बड़ी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम हमारी तमाम दुआएं हर मुसलमान भाई हर मुसलमान बहन के हक में भी कबूल मंजूर फरमा दे, और या रब्बे करीम दुनिया के जिस भी गोशे में जिस तरह हम सब मुसलमान दुआ में शरीक और जमा है, इसी तरह जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में जमा होने की तौफीक अता फरमाना। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين